टायर पे एयर रिफिल की है। पहले तो नाइट्रोजन एयर थी मेरे में, वो बहुत ढूंढा मैंने। आज सुबह से पिछली ढूंढ ही रहा था नाइट्रोजन एयर कहाँ मिलती है, लेकिन ओवरऑल मुंबई से यहाँ तक अहमदाबाद भी मैंने क्रॉस किया, लेकिन मुझे नाइट्रोजन एयर फील करने का स्टेशन कहीं नहीं मिला। एनीवे, तो वो भाई साहब के ऊपर भरोसा रखते हुए मैंने नॉर्मल एयर फिलअप की है। पता नहीं, थोड़ी दुख दुख हो रही है। अभी अपने जर्नी के बारे में बात करते हैं। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ कश्मीर, उसको उसका पुराना नाम क्या है पता? उसका पुराना नाम है सतीसर। तो सतीसर यानी क्या, कहानी कुछ ऐसी है कि वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस नाग रहा था, शैतान प्रवृत्ति। तो उसे जो है वैदिक ऋषि कश्यप और देवी सती ने मिलकर हरा दिया, और इसी वजह से वो वहाँ जो विध्वंस हुआ, उस युद्ध में जो विध्वंस हुआ, वो विध्वंस विस्तवा नदी यानी अभी की झेलम नदी में बहा दिया। इसी के ऊपर उसका नाम जो है सतीसर पड़ा, लेकिन उसका अपभ्रंश होते हुए कश्मीर होती है, एक ऐसी कहानी। दूसरा और एक तर्कसंगत प्रसंग ये है कि कश्यप मर यानी कछुए की झील, इस प्रदेश में जो है कश्यप मर था यानी कछुए की झील थी, और उसी के ऊपर से उस प्रदेश का नाम कश्मीर हो। महसूस हो रही है और आवाज भी मेरे ख्याल से कुछ गला बैठ गया ऐसा लग रहा है। राजस्थान स्टेट में अभी मैं
गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान ये राज्य में आ चुका हूँ, और आते ही मुझे एक यहाँ एक घाट पे घाट क्रॉस कर रहा हूँ, बहुत ही पिन टाइप शेप है, बहुत ही कर्व शेप घाट है ये, ड्राइविंग करने में मज़ा आ रही है यहाँ पर, और मुझे फील नहीं हो रहा है राजस्थान आया हूँ। खूबसूरत सा जो खूबसूरत सा फोर वे हाईवे है, फोर लेन हाईवे है, और दोनों रास्ते के दोनों साइड में जो है अच्छे खासे पेड़ लगाए हुए, एक ही तरह के पेड़ है, जो उसके बूंदे जो है वो सफेद दिख रहे हैं, कौन से पता नहीं क्या पेड़ की कौन सी जाति है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। टकराते बच गए, वो आ गई लेकिन मैंने डिच मारा, टॉच किया, हालत खराब हो गई थी। रास्ते के दोनों साइड फेंसिंग चाहिए, एक्सप्रेस वे में इस तरह से गाय खुली छोड़ना, देखिए यहाँ भी जो बकरिया है वो चल रही है, ये इज नॉट अ गुड थिंग। अचानक अगर बकरी को क्या पता कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से जा रही है, जीवित हानि हो सकती है किसी की, अगर कोई बंदा और स्पीड में होगा, मेरा तो मीडियम स्पीड था, 60-70 के दरमियान की स्पीड थी, इसलिए मैं कंट्रोल कर पाया, लेकिन अगर कोई हाई स्पीड में हो, दोनों में से किसी की भी हानि, जीवित हानि हो सकती है, पशु की हानि हो सकती है या मनुष्य हानि हो सकती है, लेकिन क्यों भाग गया, बहुत फील गुड वाला, फील गुड एटमॉस्फेयर, बहुत प्लेजेंट लगा, और ओवरऑल जो टेक्चर है और सब लैंड का जो टेक्चर है ना वो भी खूबसूरत है। जो राजस्थान का सफर रहा है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, बड़े हाईवे हैं, क्लीन रोड है, नो गड्ढे नो कुछ, गुजरात
गुजरात और राजस्थान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो मानना पड़ेगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अभी मुझे है 7:45 और मैं उदयपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले एक होटल है, नाम मैं भूल गया था, तो वहाँ मैंने चेक इन किया है। अच्छा होटल है, बाहर से भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चराइज है, बस इतना ही। और ये यहाँ इसके डबल बेड है, इसका टैरिफ जो है वो है पर नाइट 1400 रुपया, और अच्छा खास है। बेड है, कपबोर्ड है, स्टडी टेबल, वर्किंग टेबल अच्छा है, एंड बाथरूम भी नीट एंड क्लीन। 1400 में और क्या चाहिए। और उसके ऊपर से अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, इसके थर्ड फ्लोर पे टेरेस है, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ थोड़ी देर नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा और फिर नीचे आऊंगा। और ये रहा स्विमिंग पूल, और ये बाहर का नजारा। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ, बीच में ये हैबी और उसके बगल में लगा हुआ ये मेवर पैलेस, और जो जिसमें मैं रह रहा हूँ वो है चरण कमल। सच में बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। ये राजस्थान की नाइट अनबिलीवेबल होगी, अविस्मरणीय क्षण है मेरे लिए।